मतगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर से, जहां उपचुनाव का नतीजा आज आना है। 10 जुलाई को हुई वोटिंग के बाद आज मतगणना शुरू हो रही है। बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, और अब से कुछ ही मिनट्स या यूं कहें सेकंड्स में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग 8:30 बजे का समय तय हुआ था जब काउंटिंग की जानी थी, और अब ऐसे में आगे क्या स्थिति रहेगी, कितने राउंड्स में काउंटिंग होंगी, और क्या कुछ डिटेल प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कैसी हैं, और कब तक साफ हो जाएगा चुनावी नतीजा, ये भी देखने का विषय होगा। 10 जुलाई को मतदान हुआ था इसके लिए, और कांग्रेस बीजेपी गोंगपा तीनों ही प्रत्याशी मैदान में थे। राजेश करमेले हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। राजेश, जाना चाहेंगे कितने राउंड्स में काउंटिंग होनी है, कब से ये शुरू होगी, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए, परिणाम कितने बजे तक घोषित हो जाएगा? जी देखिए, अभी जो यहाँ पर 19 राउंड होने हैं, 19 राउंड की मतगणना होनी है, टेबल्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पहले डाक मतपत्र खोले जा रहे हैं, अभी छठनी का दौर चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है काफी मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पर घोषणा कक्ष जो है ये बनाया गया है, यहाँ से हर राउंड की अधिकृत घोषणा की जाएगी। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। प्रत्याशी यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रत्याशी बैठेंगे। इसके अलावा पार्टियों के जो यहाँ पर एजेंट हैं वो आ चुके हैं, टेबल के पास वो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। हमें जो जानकारी दी गई है कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी। जहाँ तक नतीजों का सवाल है तो 19 राउंड है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन जो रुझान है वो आधा से 1 घंटे बाद आने शुरू हो जी। बिल्कुल राजेश, जाना चाहेंगे चूंकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, और चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद क्या कुछ औपचारिकताएं होंगी, और यहाँ पर कौन कौन लोग उपेक्षित रहेंगे जो काउंटिंग सेंटर में मौजूद रह सकते हैं, और किन किन लोगों के जाने की मनाही होगी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, डोंट्स और डूज क्या कुछ है यहाँ पर? जी देखिए, ये जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है यहाँ पे बाहर पहले तो मोबाइल जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा पान गुटखा ये सब जो वस्तुएं हैं इसको अलग करा दिया जा रहा है। 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई, 3 लेयरों पे जांच होने के बाद यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। पार्टी के जो एजेंट हो वो हो, चाहे पत्रकार हो या फिर सुरक्षाकर्मी, उनकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर तमाम इंतजाम किए हैं, सुरक्षा बल लगाया गया है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग के कार्ड दिए गए थे, जो पार्टी राजनीतिक दलों ने अपने एजेंटों को कार्ड दिए थे, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। ये तमाम व्यवस्थाओं के चलते मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी खासतौर पर जिला कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ लगा हुआ है। काउंटिंग जहाँ होनी है वहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँच चुका है। इसके अलावा सफाई को ध्यान में रखते हुए नगर निगम का अमला भी यहाँ पर लगाया गया है। जी बिल्कुल, और आप नजर